हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉप 10 क्लासेस। मैं सौरभ सर, जैसे हमने आप लोगों से वादा किया था कि हमने आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी एग्जाम्पल को सॉल्व कराएंगे, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने कक्षा 9th का मैथ का सिलेबस ओवरव्यू दे दिया था कि हमें क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है। और इसके अगले लेक्चर में हमने आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाया था। संख्या पद्धति के बारे में हमने बताया था आप लोगों के पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। और उसके बाद हमने आप लोगों से वादा किया था कि अगला क्लास हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अभ्यास 1.1 का अध्ययन कराएंगे। तो आइए आज हम लोग अपना समय न खराब करते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो कह रहा है, पहला सवाल कह रहा विज्ञा हमारा, क्या 0 1 परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू हमारा क्या हो, 0 हो, 0 के बराबर ना हो। तो आप लोगों ने जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, जो हमारा क्यू क्या हो, 0 के बराबर ना हो। तो हमारा सवाल पूछ रहा है क्या 0 1 परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, 0 1 परिमेय संख्या है, इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आइए इसको हम लिख कर देखते हैं। हम देख लेते हैं पी बराबर हमने मान लिया क्या, 0 मान लिया, और क्यू बराबर हमने क्या, कोई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, ये सब हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसे हम लिखेंगे पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे, क्या होगा, पी बराबर हमारा क्या है, 0 है, क्यू बराबर हमारा क्या है, 1 है। 0 में 1 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, पी बराबर हमने ले लिया 0 और क्यू बराबर हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। 0 में 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, 0 ले लिया पी बराबर और क्यू बराबर हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। 0 में 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये सब हमारी कौन सी संख्याएँ हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएँ में जब क्या पी अपान क्यू रूप में दिया हुआ है, 0 में हमने 1 से भाग दिया तो हमारा 0 मिला, फिर 0 में 2 से भाग दिया हमें 0 मिला, 0 में फिर हमने 3 से भाग दिया हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 0 1 परिमेय संख्या है, 0 1 परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सवाल समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट में लिखिए। यस, सवाल आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, 6 परिमेय संख्या लिखना है। 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए 6 में हम क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे। 6 में 1 को जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। 7 जो प्राप्त होगा उसके आप जो हमारा संख्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 के अंश और हर में क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 3 हमारा क्या हो जाएगा, 21, और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हमारा कह रहा 4 के मध्य में, तो हमारा हो जाएगा 4 × 7/7, ये हमारा 7 × 4 = 28/7 हो गया। अब इन दोनों के मध्य हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो 21/7 के मध्य जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या को पूछा है तो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7, ये हमारी क्या हो गई, 6 हमारी, ये सब हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है 3 और 5 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो 5 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 6 मिलेगा। तो हमारा 3/5 दिया हुआ है, इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, 6 से गुणा और भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 3 18 5 6 30। और हमारा दूसरा अंक दिया हुआ है 4/5
चार बटे पाँच में भी छः बटा छः से गुणा और भाग कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, छः चौका चौबीस, छः पंजे तीस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सवाल पूछ रहा है तीन बटे पाँच और चार बटे बीच पाँच के बीच कितनी परिमेय संख्याओं को निकालना है, पाँच परिमेय संख्या निकालना है। तो अठारह, अठारह के बाद हमारा क्या आता है, उन्नीस बटा तीस, बीस बटा तीस, इक्कीस बटा तीस, बाईस बटा तीस, तेईस बटा तीस। ये सब हमारी क्या हो गई, पाँचों पाँच हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो हम आपको अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखते हैं हमारे आप लोगों को सवाल पसंद आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। हमारा चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने तीन सवाल तक हल किया, चौथा सवाल हमारा कह रहा है सत्य अथवा असत्य को छाटिए। तो सत्य असत्य को छाटने के लिए पहला हमारा जो सवाल दिया हुआ है कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सत्य, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो हमारा नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी आती है, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, डैश 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 इनफाइनाइट, ये सब हमारी कौन सी संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर में जीरो को जोड़ दिया जाता है और हमारा जो प्राकृतिक संख्या होती है उन्हीं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हीं को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह हमारा हो जाएगा असत्य। यह हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं यह असत्य कैसे हुआ। हम लोग पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, इंटीजर नंबर, जो धनात्मक जो ऋणात्मक भी हो और क्या हो, धनात्मक भी हो, जो धनात्मक और ऋणात्मक हो उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या केवल हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या हमारा जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हमारी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। अतः प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, अतः हमारा उत्तर क्या है, असत्य है। तीसरा हमारा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, क्या कहते हैं परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, हमने आपके पहले क्लास में बताया था परिमेय संख्या क्या होती है, पी अपान क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सके और जो हमारा क्यू क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पी अपान क्यू के रूप में लिखने के लिए पूर्ण संख्या जो हमारी होती है, पूर्ण संख्या जो हमारा होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये सब हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। देन आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद लगी होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।